हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आप अपनी जीमेल आईडी में लॉगिन कीजिए। मैं आपको डेमो करके दिखा रही हूँ। यहाँ से जीमेल आईडी में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे गूगल ऐप्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप गूगल ऐप्स पर क्लिक कीजिए, उसमें गूगल ड्राइव पर क्लिक करना है। गूगल ड्राइव ऑप्शन में जाके आप न्यू के साइन पर क्लिक करें। न्यू के साइन में जाके मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन में आप गूगल फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने गूगल फॉर्म पे क्लिक किया, आपको इस तरह का जो है गूगल फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ पे आप अपने फॉर्म का टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और यहाँ पे आप क्वेश्चन जो है ऐड कर सकते हैं। तो एक तरीका तो आप अपनी जीमेल आईडी में लॉगिन करके गूगल फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है गूगल फॉर्म को एक्सेस करने का, आप सर्च इंजन में जाइए। सर्च इंजन में जाके आपको गूगल फॉर्म टाइप करना है। जैसे ही आपने गूगल फॉर्म टाइप किया तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे। इस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आते हैं आपके सामने, गो टू गूगल फॉर्म पर्सनल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपके सामने जो है एक टेम्पलेट गैलरी आ जाएगी, जिसमें डिफरेंट टाइप के गूगल फॉर्म जो पड़े हैं, ब्लैंक है, ब्लैंक क्विज है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो जो आपकी जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म चाहिए वो आप यहां से आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई क्विज बनाना चाहते हैं तो आप ब्लैंक क्विज पर जो है क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म ही ले रही हूँ, इसी को ही हम क्विज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक फॉर्म लिया तो यहाँ पर अगर इसको मुझे क्विज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन में जाऊंगी और यहाँ से जनरल के बजाय मैं क्विजेस पे क्लिक कर दूंगी। तो क्विजेस पे क्लिक करते ही ये ऑप्शन मुझे दबाना है, मेक दिस अ क्विज। तो ये मेरा क्विज की फॉर्म में बन जाएगा, यहाँ से मुझे सेव करना है। तो ये मेरी क्विज अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और इस गूगल फॉर्म को आपको कहीं भी सेव करने की जरूरत नहीं होती, ये आपके गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो दो तरीके से आप गूगल फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, एक तरीका अपनी जीमेल आईडी में लॉगिन करके और दूसरा तरीका जो है सर्च इंजन में आप गूगल फॉर्म को टाइप करेंगे तो वहां से भी आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से आप इसमें अपनी क्विजेज में, अपनी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।